और भारत सरकार से हमें मदद की जरूरत है। हमारे जितने संसाधन हैं वो हमने खोल दिए हैं, चाहे वो बागवानों की बात है, वहां भी हम 110 करोड़ रुपए अपनी जेब से दे चुके हैं, चाहे वो कुल्लू की त्रासदी की बात है, और हमने रिलीफ मैनुअल भी चेंज कर दिया है। इन सब दृष्टिकोण से मैंने सभी नेताओं से बात की है, और मैंने जो हमारे गृह मंत्री है उनसे ये अनुरोध किया कि हमारे जो 315 करोड़ 21-22 के और 22-23 के एजी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसके पड़े हैं, वो तो तुरंत आप रिलीज कर दीजिए। और प्रधानमंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत तौर से मैंने उनसे बात की कि आप हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त तो जारी कर दीजिए ताकि हम अपने कामों को अमली जामा पहना सके। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, और गृह मंत्री जी ने भी कहा कि जो पिछला बैकलॉग है वो तो मैं जारी कर सकता हूं, और उसके बाद जो केंद्रीय टीम की रिपोर्ट जो है उस केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमें पहली अंतरिम किस्त जल्दी जारी होने की संभावना है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अच्छी राय दी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, सेशन होना है, लेकिन अभी आपदा है और आपदा से निपटना, और बागवानों का सेब हमने मंडियों तक पहुंचाना है। आपने देखा सभी मंत्री हर एक जिला हेडक्वार्टर में गए, और कल मैं भी खुद जो हमारे चौपाल है, ननखड़ी है, जुब्बल है, रोडू है, सब जगह जा रहा हूं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले अपने जो बागवान हैं उनका से मंडियों तक पहुंचे। जहां सड़कें नहीं है वहां भी हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं किसी न किसी तरह से, हमारे जो बागवान इतनी मेहनत करके सेब का उत्पादन करते हैं उसको मंडियों तक पहुंचाने का अब हमारा लक्ष्य है, और रिस्टोरेशन का कार्य हमारा चल रहा है। सर, स्वास्थ्य सचिव को लेकर कुछ विवाद चल रहा है कि टीम का लोगों को निकाल रहे हैं जो आउटसोर्स पे। देखिए, आउटसोर्स पे जो लगे हुए लोग होते हैं वो आउटसोर्स के माध्यम किसी ठेकेदार के माध्यम से लगे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के कोई विवाद बड़ी बात नहीं होती है। कोई किसी के पास काम करता तो निकाल दिया, अब इसमें उनके ग्रेवेंसीज सुनेंगे, उनके ग्रेवेंस। देखिए, हैंडलूम डे के लिए आज मैं सभी जो हस्तकरघा हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे डिजाइनर हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने जाता हूं कि आज हैंडलूम डे के मौके पर माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने हमें बुलाया, और हम इसमें अभी इसमें इसका शुभारंभ करने के बाद फिर मेरा अपना सचिवालय में बैठ के हैं।